वेलकम टू न्यूज़ बाबा यूट्यूब चैनल। जहाँ दोस्तों बात करने वाला है यूपी पुलिस 49,568 भर्ती के बारे में। जहाँ दोस्तों आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट अबाउट रिजल्ट के बारे में लेकर आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जहाँ दोस्तों जिन कैंडिडेट ने यूपी पुलिस 49,568 भर्ती का फॉर्म भरा था और वो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। जहाँ दोस्तों अगर आप घर बैठा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन जाइए और यहाँ चैनल पर आप जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हो जो है न्यूज़ बाबा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो चैनल पर जाकर मई अनदर चैनल के नाम से एक मेरा चैनल है सेल्फ अर्निंग यूट्यूब चैनल, इसको जो है आप यहाँ पर क्लिक करके सेल्फ अर्निंग यूट्यूब चैनल को क्लिक करके उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको जो है सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% डेली जैन वाला एप्लीकेशन जो है उसकी एक वीडियो अपलोड की जाती है जो लाइफ टाइम आपको अर्निंग देती है। जहाँ दोस्तों घर बैठे आप सेल्फ अर्निंग कर सकते हो, 100% जैन वाला एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं तो सेल्फ अर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में आप न्यूज़ बाबा के चैनल पर जाइए और वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके नीचे आप देख सकते हो मई अनदर चैनल के नाम से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर ले तो घर बैठे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जहाँ दोस्तों सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने से पहले कई स्तर पर परखे गए। जहाँ दोस्तों यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो जारी करने से पहले यहाँ पर इसको कई स्तर पर जो है इसकी जांच की जाएगी। 2018 की भर्ती के परिणाम में गड़बड़ियाँ सामने आने के बाद भर्ती बोर्ड बरतेगा सावधानी। जहाँ दोस्तों सिपाही भर्ती को 49,568 पदों पर होने वाली भर्ती का परिणाम जारी करने से पहले इसे कई स्तर पर परखा जाएगा। सिपाही भर्ती 2018 का परिणाम घोषित होने में हुई गड़बड़ियों में सबक लेते हुए भर्ती बोर्ड ने यह निर्णय किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड चेयरमैन के राजकुमार विश्वकर्मा का कहना है कि उनके पास कई अभ्यर्थियों की शिकायत आई है। इन शिकायतों में उन्होंने कहा कि साइबर कैफे वालों ने फॉर्म भरने के दौरान गलती से होमगार्ड के कॉलम में टिक कर दिया था, जिनकी वजह से उनका चयन होमगार्ड के कोटे में किया गया। ऐसे ही शिकायतों के आधार पर मेरिट में पीछे रह जाने के बाद भी होमगार्ड कोटे से चयनित हो जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया था। इसी आधार पर कुछ ओवरवेज के अभ्यर्थी भी चयनित हो गए थे। आगे ऐसी गलतियां न हो इसके लिए कई तरह की सावधानियां बरती जा रही है। होमगार्ड कोटे के अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन और दौड़ लखनऊ में जहाँ दोस्तों ये जो है यहाँ पे कराई गई थी, तो उसमें क्या था कि कुछ साइबर कैफे वालों ने होमगार्ड के ऑप्शन पर टिक कर दिया था, जिस कारण से उनका सिलेक्शन हो चुका था, जबकि उनके पास होमगार्ड का ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं था और ओवरवेज जो कैंडिडेट हो चुके थे उनका भी वहां पर जो है सिलेक्शन हो चुका था। इस वजह से जो है इसमें काफ़ी गड़बड़ियां हुई है, तो उसकी जो है गड़बड़ियों को ध्यान में रखते हुए एक सावधानी बरतने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर जो है 49,568 जो भर्ती है उसमें इसका रिजल्ट जो है बड़ी सावधानी के पूर्व जो है आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजल्ट कब घोषित होने वाला है, आपका जो है रिजल्ट वो जून के फर्स्ट वीक में या फिर मई के इसी लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। या दोस्तों मई के लास्ट वीक में नहीं रिजल्ट घोषित होगा तो जून के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट जो है जारी करने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप लोगों को पता ही है कि 49,568 भर्ती का एक बार उन्होंने डाटा भी दिया था कि उसमें जो एडमिट कार्ड का आपका वेन्यू भी डाला था, वेन्यू नहीं डाला था लेकिन आपका एडमिट कार्ड का परफॉर्मा इन्होंने शो कर दिया था। जी हाँ दोस्तों वो यही हुआ था, बाय मिस्टेक जो है उन्होंने लिंक प्रोवाइड कर दिया था और वहाँ पर बहुत से कैंडिडेट ने देखा था कि वहाँ पर उनका वेन्यू और टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन उनका जो है वहाँ पर और बाकी सभी कंप्लीट जानकारी दिखाई दे रही थी। तो वहाँ पर आपका रिजल्ट जो है घोषित होने की पूरी संभावना थी, लेकिन फिर इलेक्शन होने के कारण इस वजह से उसको रिजल्ट रोक दिया गया। यहाँ पर जो है 41,520 वाली जो भर्ती थी उसमें फिर इन्होंने जो है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रिजल्ट रोक दिया था। इस वजह से अब रिजल्ट जो है इसका चुनाव के बाद आने की पूरी संभावना है और जो आपका रिजल्ट है वो जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। जहाँ दोस्तों यहाँ पर जो है इसके रिजल्ट में काफ़ी सावधानियाँ बरतने की संभावना है, जिसमें कैंडिडेट कोई भी शिकायत ना करे, नहीं कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठा सके, तो उस वजह से रिजल्ट जो है बड़ी सतर्कता के साथ में यहाँ पर जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
तो अब देखते हैं कि रिजल्ट कब घोषित होता है। जैसे भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती जाएगी या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में इन्फो दे दी जाएगी। जहाँ तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले और साथ में जो है यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले। तो मिलते हैं कोई ऐसी अच्छी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।